तो दोस्तों निकल रहे हैं यहाँ से नुब्रा वैली के लिए, पेट्रोल भी फिल कराना है और चलते हैं। ओके भाई कुणाल भाई बाय। तो कुणाल भाई जो है आज यहीं पे आज कल और शायद परसों हमारे आने तक यहीं स्टे करने वाले हैं और फिर हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं नुब्रा वैली के लिए, फिलहाल टॉप अप कराना है पेट्रोल, टैंक फुल कराना है और खारदूंगला टॉप चढ़ना है भाई। आज का मेन जो टास्क है ना वो खारदूंगला है भाई। अब देखना ये है कि भाई कैसे पहुंचेंगे हम खारदूंगला, चढ़ेगी या नहीं। जय हिंद सर, जय हिंद। ओ भाई साहब चक्कर क्या है ना, मेरी बाइक छोटी बाइक है और खारदूंगला की चढ़ाई जो कुछ 18,000 कुछ है। पहले तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पास हुआ करता था वो, पास्ट नहीं पास, ठीक है, बट अभी क्या है कि वो सेकंड हो चुका है। एक नया बन गया है उमलिंगला, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि डीसी से परमिशन मिल गई हमारे को, वैसे मिलती नहीं है इतनी जल्दी आसानी से, बट हमें मिल गई। तो बस अब जो है ऊपर वाले को याद करके निकल रहे हैं हम। यहाँ कितना लीटर है? 104। वो बता रहा था कम हुआ है पहले से, कम नहीं हुआ रेट? हुआ ना। कितना था पहले, कितना था? 112। ओ माय गॉड, होने दो और ऊपर आएगा, आएगा 650 तक आएगा। चलो 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 आराम से आराम से आराम से, स्लो स्लो स्लो। ओके ओके ओके, ठीक है, इनफ इनफ। तो दोस्तों पेट्रोल डलवा लिया, 712 रुपए का आया और बहुत ही स्वीट थी लड़की, मतलब लड़की बोलो आंटी बोलो जो भी दीदी बोलो कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने हमसे 700 रुपए ही लिए, मतलब मेरे से 2 रुपए छोड़ दिया। अगर दिल्ली होती तो कहते भाई नहीं 2 रुपए भी दो। क्या हुआ सुनील जी? तो 700 रुपए लिए और प्लस ये था कि मैंने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो शी सेड के भाई मेरा नाम बिस्किट है। मैंने बिस्किट बड़ा फनी नाम था भाई और बड़ा यूनिक नाम था, मतलब किसी इंसान का नाम बिस्किट हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। क्या आपने सोचा था? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिलहाल जो है भाई हम बढ़ रहे हैं खारदूंगला के लिए और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह से नज़र ना लगे, मतलब मैं दिल्ली से लद्दाख आ गया, ठीक है, और अभी तक मेरा पेट्रोल सिर्फ 2,000 रुपये का लगा था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो 2,000 के पेट्रोल में मैं दिल्ली से लद्दाख आ गया, अब 700 का तेल डलवाया, अब लद्दाख से मैं जा रहा हूँ नुब्रा वैली खारदूंगला होते हुए, और उसके बाद देखो वहाँ पे भी टॉपअप कराऊंगा और फिर दिल्ली आऊँगा। तो मतलब मैं एक तरह से नोटिस करता चल रहा हूँ पेट्रोल कितना मेरा खर्चा हो रहा है। जब मैं दिल्ली आ जाऊँगा उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि पूरी सीरीज कंप्लीट होने के बाद ना एक वीडियो इस टॉपिक पर बनाऊँगा भाई कितना खर्चा होता है पेट्रोल का। और बाकी ग्रुप में जाते हो अगर 4-5 बंदे भी अगर आपके साथ जा रहे हैं या 3-4 भी जा रहे हैं तो आपका कितना खर्चा आने वाला है, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा अगर आपके कमेंट्स इस वीडियो में आएंगे तो, ठीक है। बाकी तो सब बढ़िया है, हंस रहे भैया स्प्लेंडर देख के। अब यार बंदा हर बंदा देख के हंसता है इसको यार, ये के बात हुई यार, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। खैर छोड़ो, जो अप्रिशिएट करते हैं वो कर देते हैं, जो हंसते हैं वो हंसते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ से ना जो अपना रास्ता कट रहा है राइट साइड में खारदूंगला के लिए, ठीक है जी, वहाँ निकलना है अपन ने। तो पहले मैं काम करता हूँ ये थोड़ी शहर शराबा जो है ना, शहर सपाटा, इसे मारते जमकट और फिर मिलता हूँ आपसे आगे, ठीक है, स्टे ट्यून्ड रहता यार। तो दोस्तों वहाँ से रास्ता कट रहा है खारदूंगला के लिए, खारदूंग जो विलेज है वहाँ के लिए और खालसर, ठीक है जी। तो हमें यहाँ से रूट पकड़ना है, ठीक है जी, क्या बात है जी। और यहाँ से और कहाँ कहाँ जा रहा है भाई? ये सुमूर जा रहा है, अगम जा रहा है, हुंदल जा रहा है और पैनामिक जा रहा है, क्या बात है, आ जाओ। तो भाई अब सारे भाई इकट्ठे हो गए सिर्फ कुणाल भाई को छोड़ के, कहीं ना कहीं मुझे उनकी कमी महसूस हो रही है क्योंकि मज़ा आता है उनसे जो बातें, हंसी मज़ा चलता रहता है, ठीक है ना। तो वो बंदा नहीं है साथ में तो अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं यार, हम 3-4 दिन में उनको ज्वाइन कर लेंगे। बट ये है कि वो रुक रहे हैं कि रुक रहे हैं ये बात भी है, बाकी अंदर गलियों में से निकल रहा रास्ता भाई, पता नहीं। हाँ तो दोस्तों यहाँ की जो ईंटें हैं ना, जो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें मैं देख रहा हूँ, जो घर बना रहे हैं, दीवार जो बना रहे हैं, इनकी जो ईंटें हैं वो अलग ही मतलब साइज़ की हैं, दिखने में बहुत अलग हैं। देखो या तो ऐसा कि पहाड़ के पत्थर जो होते हैं वो काट काट के ईंट वाली शेप दे दिए, या फिर ये लोग जो ईंट जैसे बनती तो हमारे उधर भी है हरियाणा में यूपी में भी ईंटें बनती हैं, जो जो बड़ी बड़ी मीनार सी खड़ी होती है उसमें भट्टियाँ बनती हैं ईंटें, ठीक है, बट उसका साइज़ अलग होता है। इनकी यहाँ का साइज़ देखो कितना बड़ा बड़ा, देखो एक एक ईंटे का, मतलब एक ईंट कम से कम मेरे हिसाब से तो भाई 4-5 किलो की तो होगी यार, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें। तो ये इन ईंटों से खड़ा करते हैं मामला हिसाब किताब जो भी इनका, और बाकी पिलर तो होता ही है, मतलब लेंटर तो डालते ही हैं, लेकिन ईंटें होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं इनकी यहाँ की जो मैं देख पा रहा हूँ। हेलो, ओए होए जिप्सी कितनी प्यारी लग रही है यार, ये पूरा ले सिटी है, देखो इधर लेफ्ट में पूरा का पूरा।
अब हम ये लेह सिटी के बगल में ये कोई गांव है, ठीक है जी। इस गांव से गुजर रहे हैं हम, अंदर ही अंदर निकल जाएंगे, पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे। वहाँ पे जो है ना पहाड़ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से रास्ता जो घूम घाम के वो सामने पहाड़ पर ले जाएगा। वहाँ सामने पहाड़ पर ले जाने के बाद जो है फिर ओके हो जाएगा मामला, फिर ये गाँव ख़त्म और पहाड़ चालू हो जाएंगे। लद्दाख का चेक पोस्ट मिला है हमारे को खारदुंगला जाते हुए, और यहाँ पेट्रोल पंप भी है, ये अच्छी बात है। हमने पेट्रोल दर्शन डलवाया है, पता तो यहाँ डलवाए थे। आरसी लाइसेंस ना, ठीक है, आरसी लाइसेंस आधार कार्ड, चलो जी आरसी आधार कार्ड लाइसेंस सब चीज़ लेके आए अपन। ये हो गया आरसी, ठीक है, ये हो गया हमारा आधार, ठीक है, ये हो गया हमारा लाइसेंस, ठीक है। यस मैम, ओके। हमारा हर्षमत तू परमिट दिखा मैम को, मैं ये अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ठीक है सर। आधार कार्ड दिखा दो और वो आरसी। तो दोस्तों ये जो आधार कार्ड और आरसी दिखी जाती है, ये इसलिए दिखी जाती है कि भाई बाइक आपकी है या नहीं, आपकी रिलेशन में है या नहीं, या फिर रेंटेड है, क्या सीन है, वो सब, ठीक है, इसलिए दिखी जाती है। और बाकी परमिट जो होता है वो आगे के लिए होता है कि हाँ भाई आगे के लिए आपके पास परमिट है या नहीं, ठीक है, तो वो चीज़ है। परमिट चेक हो रहा है हमारा, ओके, थैंक यू। हाँ जी, या ओके, थैंक यू। तो दोस्तों मेक श्योर जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो लद्दाख राइड पे, अगर आपको पैंगोंग जाना है, ठीक है, क्योंकि पैंगोंग जाओगे तो भाई खारदुंगला भी क्रॉस करना पड़ेगा, नूबरा उबरा उस साइड से जाओगे, तो कुल मिला के ये है कि अगर अच्छे से एक्सप्लोर करना है लद्दाख को ना, तो भाई आपको अपनी बाइक लेके आनी होगी, या अपने ब्लड रिलेशन में पापा के नाम पे बाइक हो, बड़े भाई के नाम पे हो, या छोटे भाई के नाम पे हो, आपकी वाइफ के नाम पे हो, मतलब फैमिली में से किसी एक के नाम पे होनी चाहिए जो ब्लड रिलेशन हो, पहली चीज़। दूसरी आधार कार्ड आपका होना चाहिए ओरिजिनल लेके आना, और तीसरी चीज़ लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है जी, आरसी लाइसेंस आपका आधार, ठीक है, तीनों चीज़ें होनी चाहिए ओरिजिनल लेके आना। कभी कभी जेरोक्स की जरूरत पड़ती है तो जेरोक्स भी लेके आना। भाई मैंने 6-6 कॉपी करके रखी हुई थी कि बैकअप में भाई कब जरूरत पड़ जाए कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मैंने वो करा ली थी, बट अभी तो रिक्वायरमेंट हुई नहीं कि जेरोक्स देनी पड़े। और बाकी ये है कि इन्होंने ओरिजिनल हमें चेक कर लिया, नाम तीनों पे सेम थे, आधार लाइसेंस आरसी पे, और क्या था, हाँ परमिट। तो परमिट भाई जब भी आप आओ ऑनलाइन, या तो दिल्ली से बना के चलो, खुद बना लो हो सके तो, और नहीं बना सकते तो भाई किसी भी साइबर कैफे वाले को पकड़ो, और लद्दाख एक्सप्लोर के लिए ना ladakh.in पे जाकर मतलब वो कर लो, आप क्या बोलते हैं उसे, परमिट अप्लाई कर लो, ठीक है। एक बंदे का आता है कुछ 540 रुपये आता है, सारे सर्किट जितने भी हैं ना यहाँ के सबको टिक मार देना, और 540 रुपये फीस कटेगी, बस उतने देने होंगे आपको और आप आ जाना, ठीक है। बाकी ये मिट्टी वाले पहाड़ देख सकते हैं आप, लेकिन एक बार बताऊँ ये पास से देखने तो ऐसे लग रहे हैं इस टाइम पे, यही पहाड़ अगर मैं दूर से देखूँगा ना तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखो एक बुलेट वाला भाई, तो इधर से देखो क्या मस्त लग रहा है, और वहाँ पे शांति स्तूपा दिखाई दे रहा है मेरे को, क्या बात है, जहाँ पे हम कल गए थे। बढ़िया है भाई, कल रुके यहाँ पे आराम से, टाइम से पहुँच गए थे, मॉल रोड भी घूम लिए और तुम्हारा शांति स्तूपा भी घूम लिया। अब रह गया पत्थर साहिब गुरुद्वारा और आपका मैग्नेटिक हिल, तो वो रास्ते में पड़ेगा, तो हमने कहा जभी का वो कर लेंगे। वैसे तो हम सोच के आए थे एक दिन और स्टे करेंगे यहाँ पे, लेकिन वही सोचा हमने कि करेंगे क्या, है ना, स्टे करके रेस्ट करने के अलावा, सो दैट हम सबने प्लान बनाया कि भाई काम करते हैं, सब चलते हैं नूबरा वैली, वहीं पर एक सेल्फ कैंपिंग करेंगे। मौसम अच्छा है, खुला खुला है, वेदर फोरकास्ट देख लिया था हमने, अब देखते हैं भाई वहाँ जाके कैसा रहता है हिसाब किताब। वेदर सेल्फ कैंपिंग करेंगे, बनाएंगे कुछ बढ़िया सा, ठीक है जी, आप लोगों को दिखाएंगे, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने जो है ना वो साउथ पुल्लू है शायद से, मुझे ऐसा लग रहा है। और खारदुंगला टॉप जो है वो जो ऊपर बर्फ दिख रहा है ना वो खारदुंगला टॉप होगी 100%,
जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वे जिगजैग करते करते किलोमीटर हो जाएंगे। और आपको मैं दिखाऊँ वो जो पहाड़ी दिख रहे हो ऊपर वाली, वो उसकी टॉप से होते हुए हमें वहाँ पे कनेक्ट होना होगा। आई गेस वही होगा खारदुंगला टॉप, ठीक है। ये साउथ पुल्लू है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बाकी देखते हैं भाई आगे पहुँचे पता चली जाएगा। बने रहो आप। ट्रक आ गया भाई, ट्रक आ गया, मिलिट्री ट्रक, रुक जाएंगे भाई। ओ भाई साहब रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। जब गाड़ी रुक जाती है ना हमारी, उसके बाद चढ़ाना मुश्किल हो जाता है इसको। क्या बात है, चल 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 मेरी जान, चल 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 आई पास चल जाएगा दोस्तों। के साउथ पुल्लू है या खाली आर्मी वालों का बेस कैंप टाइप कुछ है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे भी हमें परमिट दिखाना होगा। हाँ हाँ हाँ, ये चेक पोस्ट है भाई, यहाँ पे परमिट दिखाना होगा हमारे को आगे जाने के लिए। हाँ साउथ पुल्लू है भाई, 100% साउथ पुल्लू है। रोक रहे थांबा थांबा। खारदुंगला रेस्टोरेंट नीचे है भाई। कितने सारे राइडर्स आ रखे होंगे वहाँ पे, जितने जिन्होंने दबा के अपने स्टिकर्स लगाए। सर एंट्री होगा क्या? एंट्री परमिट तो नहीं चेक होगा अभी? ओके आया तो भाई एंट्री होगी, ऊपर एंट्री करने जा रहा हूँ मैं। क्या बात है, वाह। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब। सर ये ऊपर का खारदुंगला है क्या ये वाला? ओके अच्छा, नाम डाल दो अपना, गाड़ी नंबर ना। ये क्या है, बाइक? यहाँ पे वन टाइम कितना हो रहा है अभी? ठंड में हाथ भी नहीं चल रहा मेरा। पे राइडर्स आते ना सारे अपने अपने स्टिकर लगाते हैं, और मैंने इस बार अपने छपवा लिए थे तो मैंने क्या लगा देता हूँ प्लास्टिक में। बढ़िया, क्या बात है। लो जी अब हमारी भी यहाँ पे छाप रह जाएगी, बहुत बढ़िया। लगा दिया, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई। भैया आप भी आओ तो अपने छपवाना, ठीक है, नेक्स्ट राइड के लिए। नहीं नेक्स्ट राइड के लिए छपवा लेना, ये होना जरूरी है यार। और पुल्लू में आपकी एंट्री होती है, सिर्फ कोई परमिट चेक नहीं होता है, परमिट चेक पहले ही हो जाता है। और बाकी बात करें खारदुंगला की, तो यहाँ से ऐसे जिगजैग करते हुए अपने को ऊपर जाना है क्लाइंबिंग करते हुए, देन इस पहाड़ से उस पहाड़, देन वहाँ पे, तो वो जो टॉप दिख रहा है आपको वो है खारदुंगला टॉप, ठीक है। देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पे अभी हम हैं, और काफ़ी ऊंचाई पे जाना है। फिलहाल यहाँ का एल्टीट्यूड तो लिखा नहीं ना, एल्टीट्यूड नहीं लिखा यहाँ पे। जय हिंद सर, जय हिंद। क्या बात है, इनको देख के अलग फील आता है भाई साहब। आर्मी के ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे ट्रक, जहर एकदम। अजाज खान चल भाई चल, स्कॉर्पियो का धुआं निकल रहा है भर भर के धुआं फेंक रही है। डीजल डीजल वाली गाड़ियों को ही होता है, देखो कैसे भर भर के फेंक रही है। देखो डीजल वाली गाड़ी जो होती है ना, भर जब इस पर लोड पड़ता है ना तो भर भर के धुआं निकालती है, और वो कहीं ना भाई साहब मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। आ, आ, भाग दे जल्दी से, धुआं धुआं कर रखा है रोड पर तुम लोगों ने, बेशरम। तो दोस्तों धीरे धीरे जो है ना हम पहाड़ पर चढ़ी गए, और बर्फ जो दिखना जो है स्टार्ट हो चुकी है। जो नीचे से हम बर्फ के पहाड़ दिख रहे थे, अब उस पहाड़ पे हम चढ़ रहे हैं। क्या बात है भाई, एकदम फ्रेश स्नो पड़ी हुई है, देख सकते हैं एकदम वाइट, मतलब गंदी बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से सुबह गिरी होगी शायद यहाँ पे, क्योंकि भाई इतनी हाइट है यहाँ तो भाई नॉर्मली गिरी जाती होगी, और टेम्परेचर इतना डाउन है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में स्नोफॉल ना हो जाए भाई, सही बता रहा हूँ। और रही बात इन ग्लव्स की, तो भाई ये वाले ग्लव्स मुझे उतारने हैं, लेकिन वही मसला है कि मैं रोकूं भाई, क्योंकि रोकूं कैसे, तो पहले एक माइलस्टोन पे मतलब एक जगह पहुंच जाऊं, उसके बाद रोकूंगा, क्योंकि मैं अगर रोक दूंगा तो सबसे पीछे रह जाऊंगा, तो इस वजह से मैं रोक नहीं रहा हूं। और अभी ठंड इतनी भी नहीं लग रही इन ग्लव्स के अंदर कि मैं इसे बर्दाश्त ही ना हो रहा हूं। बस हाँ ये है कि ठंड महसूस हो रही है ठीक ठाक, लेकिन बर्दाश्त है, अभी बर्दाश्त करने की क्षमता है मेरे अंदर।
और रही बात डायमोक्स की, तो भाई देखो डायमोक्स अगर आप आफ्टर ब्रेकफास्ट खा के निकलते हो और आपको पता है कि एक डेढ़ घंटे बाद आप ऊंचाई पे चढ़ोगे तो कहीं ना कहीं वो असर दिखाएगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं, मेरे ख्याल होंगे हम 16-17 हज़ार की फीट पे, ठीक है जी, क्योंकि 11-12 हज़ार मेरे ख्याल से वहाँ पे दिखा रहा था नीचे बहुत, ठीक है। फिर हम 13 पे आए, फिर उसके बाद ये 15-16 पे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कितना ऊपर आ चुके हैं, वो देखो ऊपर भी कुछ ना कुछ बना हुआ है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अब जो है ना मेरे हाथ सुन होने लगे हैं क्योंकि मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ, खारदूंगला टॉप से थोड़ा ही पीछे हूँ और बर्फ़ के पीछे पहाड़ बहुत मैंने क्रॉस कर दिए, और भाई साहब ये लगा लो कि इस टाइम मेरे हाथ ना सूज रहे ना, मतलब सूज रहे ना, सुन हो रहे हैं ठंड के वजह से कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बस मैं जैसे तैसे चला रहा हूँ बाइक, ठीक है जी, और अब आगे जाके मैं रोकूँगा और रोकने के बाद भाई ग्लव्स जो है पहन लूँगा वो वाले -25 डिग्री। वैसे बोलता हूँ -25 तो नहीं है लेकिन बोल सकते हैं कि -10-12 झेल सकता हूँ मैं आराम से उस वाले ग्लव में, ठीक है जी। हसमत का शायद से बैग खुल गया है और वो खुद वहाँ पे खड़ा हुआ है और इंतज़ार कर रहा है मेरा कि मैं आके बनवाऊँगा, क्योंकि आज तक ना उसे इतने टाइम से जानता हूँ मैं, आज तक उसे ढंग से बैग बांधने नहीं आए, सही बता रहा हूँ। देखो जाते बता क्या बोलेगा भाई, ये नहीं कि जब तक मैं आ रहा हूँ तो तब तक तू तो कुछ कोशिश कर। देखो खड़ा हुआ है वो, देखो खड़ा हुआ है, और पता क्या बोलेगा भाई बैग सीधा करवा दे, देखो ये नहीं खुद मेहनत कर ले, इंतज़ार कर रहा है मेरा, मैं रुकूंगा नहीं पहले, ठीक है, देखता हूँ आवाज़ मारता ही नहीं मारता, झूले देखो मैं रुकूंगा नहीं, देखो देखो शक्ल दिख रहा है मेरे पीछे से खड़ा हो गया, मैं यहाँ रुकता हूँ, रुको। ये आलम है देखो जी हाथ का, देख रहे हो लाल हो रखे हाथ, काली पड़ गई स्किन, खून जम गया एक तरह से, ब्लड ना जम गया, देखो नीला नीला पड़ गया है यहाँ पे, ये देख रहे हो मेरा ब्लड जम रहा है, इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे, ये देखो ओए होए होए हाथ देखो मेरे। और अभी हम वहाँ से आए हैं, वो जो बर्फ़ का देख रहे हो पहाड़, इतनी बर्फ़ थी, इस कदर बर्फ़ थी कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और वहाँ पर ठंडे हो रहे थे हाथ, और अभी हल्की हल्की धूप हल्की हल्की महसूस हो रही है, देखो सूरज चाचू ऊपर है, हल्की हल्की महसूस हो रही है, बट किरणें जो है ना काम नहीं कर रही, इतनी ठंड है। अभी यहाँ से क्लाइंबिंग करते हुए हमें और ऊपर चढ़ना है और आगे जाना है, आगे खारदूंगला टॉप है। ये लोग बेचारे मेहनत करके ही सो रहे हैं बेचारे, बहुत मेहनती होते हैं ये लोग। चलो फटाफट से भाई, बहुत हो गई बातें, पहले ग्लव्स पहन लेता हूँ। मैं आगे बढ़ गया, ओम भाई बांध रहे ग्लव्स उसका बैग है। अबे भाई ठंड में हाथ नहीं काम कर रहे, हाँ नहीं तो उसको हमेशा एक बंदा चाहिए होता है उठाने के लिए चलाने के लिए, इतना लेजी बंदा है ये। 50 दफ़ा बोल दिया कि सैडल से लगवा ले बाइक के अंदर, लेकिन नहीं काम चल रहा है चला रहे, गलत बात है। अगर आप राइड करते हो तो बाइक को राइड के पर्पज़ से बनाना पड़ता है, उसमें सामान लगवाना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं चलता ना ऐसा। चलो चल रहे भाई, ये बावला है, दो बंदे मिलके भी नहीं बांध रहे, आवाज़ मार रहे। क्या हुआ? अबे भाई तुम दो बंदे मिलके नहीं बांध सकते हैं? साला वहां से मैं देख रहा हूँ कि खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है, यानी कि खुद लग जाऊं इंतजार कर रहा है। अरे मेरे हाथ जम गए, नील पड़ गए, उंगली उतार गए, वो वाले ये वाले पहने भाई मैंने। चलो बांधो जल्दी जल्दी। तो दोस्तों ये देख रहे हो, यहाँ से ना वाटरफॉल आया करता था पहले, ठीक है, और वाटरफॉल आके जम गया है भाई साहब, देख रहे हो क्या बात है जी, ये ऊपर से आ रहा है फ्लो पानी का और जम चुका है भाई साहब लिटरली। वो भाई साहब इधर देख, दानी जी लेफ्ट साइड में खाई है, हाँ जी जो हो जाएगा वाटरफॉल। बाइक विद राइडरफॉल। अल्लाह ना करे भाई किसी का भी साथ वैसा हो। बाकी ये पहाड़ देख रहे हो भाई, फुल पहाड़ी पत्थर वाला पहाड़ है, ठीक है जी, मतलब पहाड़ी पत्थर वाला पहाड़ समझ लो या जो मर्जी हैं, और यहाँ पे जो है ना एक के ऊपर एक टिके हुए, कभी भी भाई कोई नीचे गिर सकता है, जब भी गिरे रोड पे कोई ना हो तभी गिरे। बाकी सब टिके हुए भाई साहब, खतरनाक लग रहे हैं। अरे डीएल डीएल डीएल
क्या बात है जी, क्या बात है, नज़ारे। बस थोड़ी देर में आने वाला है खारदूंगला, बस पहुंच ही गए समझ लो हम लोग, अल्लाह अल्लाह करके धीरे धीरे पहुंच ही गए हम। ओह क्या बर्फ़ टिकी हुई है देखो, ओ भाई साहब क्या हिंदी हुंदी इसी। तो दोस्तों 20 की स्पीड पे क्लाइंबिंग कर रहा हूँ आराम से, मैं डाल रहा हूँ पहला गियर डाल दिया मैंने, और ये डाला मैंने दूसरा गियर। अपाची भी गई जा रही है। हाँ भाई सांस घुट रही है अपाची की भी, दम घुट रहा है, लेकिन मेरी वाली चल रही है, मेरी गाड़ी का दम नहीं घुट रहा, बस वो है कि स्पीड स्लो होते होते धीरे मतलब फास्ट पकड़ लेती है, थोड़ा रिदम में लाना पड़ता है मुझे इसको प्यार से। वहाँ देखो कैसा चमक रहा वाइट बाहर, एकदम मस्त लग रहा भाई, एकदम मस्त, जहर भाई जहर। तो दोस्तों फाइनली वी रीच खारदूंगला, ओ क्या बात है गुरु, ओ भाई साहब खारदूंगला पहुंच गया भाई, ओ माय गुडनेस खारदूंगला भाई साहब, अल्टीमेट यार अल्टीमेट भाई साहब। पहले पूरे वर्ल्ड का पास हुआ करता था नंबर वन, बट अब सेकंड पे हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो भी है यार इधर जाएंगे, इधर हाँ इधर जाएंगे, कोई बात नहीं भाई साहब, अल्लाह की खुशी हो रही है यहाँ पे आके। काफ़ी ट्रैफिक है यार यहाँ पे, बाइक लेकिन लगाए कहाँ, इन्होंने कार वालों ने तंग कराया। ओह शिट, चलो ट्रैफिक थोड़ा मूव ऑन तो मैं आगे लगाता हूँ, लेकिन भाई जो भी है आप नज़ारा देखो भाई, आगे लगाऊंगा भाई बाइक, नहीं आगे एक और बोर्ड है यार, वहाँ पे खिंचवाना बात है कि आगे ही बोर्ड है, माइलस्टोन आगे भी है, ये भी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे वाला मेन है। ओ भाई साहब सांस लेने में कमी हो रही है, हाँ वो आगे आगे, हाँ चलो 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 भाई, यहाँ पे रश इतना है कि बाइक के साथ तो फोटो मे भी ना हो पाए, बट जो भी है आपको दिख तो रहा है ना वीडियो में यार। चलो भाई फटाफट से इधर लगाता हूँ मैं, इधर तो बर्फ़ पड़ी भाई, गिर जाएगी गाड़ी, इधर लगाओ भाई, भाई साहब बस मेरे को ना चक्कर आ रहे ले बाबा, चक्कर आ रहे ले। तो पहले तो मैं अपना ये हटाऊँ, ऐसे उतरता हूँ और ऐसे आ जाता हूँ, ठीक है। उफ, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाई दूँ यहाँ से, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन वेलकम टू यू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माई जी खारदूंगला। इसकी हाइट है भाई 17,982, ऑलमोस्ट मान लो 18,000 फीट पे हम लोग हैं, और यहाँ पे देख लो कैसे जमगढ़ है, कैसे मतलब मैं आपको बोलूँ फ़ोटो क्लिक कराने का तो भाई अलग ही वो सीन है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल आपने देख लिया, अपनी खुशी से हम लोग यहाँ पे आए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत तगड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए तो, और जितने भी स्प्लेंडर लवर हैं उनके लिए भी, कि देखो भाई कहाँ पहुँचा दी मैंने स्प्लेंडर को, बंदे सोचते हैं भाई इस बाइक से। ओ भाई साहब भीड़ इतनी है, फ़ोटो कैसे खिंचवाएं। तो भाई लोग ना ऐसे पागल हो रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, खिंचवाने नहीं दे रहे फ़ोटो भाई, घुसना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है लिटरली यार। और इनको ये नहीं हो रहा कि ऐसे बाइकरों को तो पहले करवाना चाहिए कि वो निकलें, खिंचवाएं और निकलें, समझ रहे हो, लेकिन ये नहीं मान रहे, लड़ लड़ के घुस घुस के भाई फ़ोटो क्लिक करवाया है जैसे तैसे। अबे हमारा को तो काम है हमारा, हाँ नीचे जा रहा हूँ मैं, दादा दादा वन सेकेंड, एक्सक्यूज मी बस। तो दोस्तों ये हो गई टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है जी, अब यहाँ से नीचे उतरना है अपन ने और सीधा पहुँचना है नूबरा वैली, ठीक है जी, नूबरा वैली पहुँचेंगे, देन वहाँ पे जाकर आज रात को सेल्फ कैंपिंग करेंगे अपन। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, मेरा स्टिकर भी यहाँ पे आ गया।